अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे फॉर्म डी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। बास स्टूडेंट का ये पूछा जाने वाला सवाल था, सर क्या फॉर्म डी के लिए एमडी कैट ज़रूरी है? जी उसमें याद रहे, अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दो चीज़ें शामिल हैं। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एमडी कैट क्लियर किया हुआ है वो भी फॉर्म डी के डिग्री प्रोग्राम में पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है, नंबर वन। नंबर टू पे वो स्टूडेंट जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना एंट्री टेस्ट कंडक्ट दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल के स्टूडेंट, आपने PUM पंजाब यूनिवर्सिटी मेडिकल ये वाली इस कैटेगरी का टेस्ट अगर आपने दिया हुआ है तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी के फॉर्म डी के डिग्री प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हैं। मीन्स फॉर्म डी जो पंजाब यूनिवर्सिटी से है उसके लिए वो कहते हैं कि अगर आपने एमडी कैट क्लियर किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नंबर वन। और उसके बाद वो इदारे जिनकी एफिलिएशन UHS लाहौर के साथ है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के साथ है, उनमें एडमिशन लेने के लिए भी मतलब वो एमडी कैट जोन है वो रिक्वायर करते हैं। और बाकी जितने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के इदारे हैं उनमें तकरीबन 90% जो इदारे हैं वो एमडी कैट रिक्वायर नहीं करते, बहुत रेयर बहुत कम, तकरीबन 10% इंस्टीट्यूट्स जो उनसे हैं जो कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मतलब कि मेडिकल डिग्रीज प्रोग्राम के लिए अलाइड हेल्थ साइंसेज डिग्री प्रोग्राम के लिए एमडी कैट जो उनसे वो लाजमी रिक्वायर करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।